शायद तुम सही हो नीति। युवान और हमारा साथ जिंदगी भर का तो ना हो सके। पर क्या करूं? जब भी युवान का जीवन बेसवादा दिखे है ना, हर सराह न जाए। एक ही तो चीज याद है बन्नी ने, स्वाद लाना। और मैं बस वही लाना चाहती हूँ युवान की जिंदगी में। मैं तो खुद चाहूं कि युवान बस खुश रहे, चाहे जिससे भी उसकी शादी हो, बस खुश रहे। अब अगर वो लड़की जिससे उसकी शादी होने वाली है वो ये चाहती है कि वो मारी जगह पे खड़ी होकर उसका ज्यादा अच्छा ध्यान रख सके, तो मैं तो कोई जमीन में गड़ा पेड़ तो ना हूं कि जिसने अपनी जड़े गाड़ रखी हो। मैं तो खुशी खुशी उठ जाऊंगी। अगर आप युवान ने लाड दुलार ममता से खाना खिलाने की जिम्मेदारी ले लेते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं बस आप री और युवान की शादी तक आऊंगी। उसके बाद युवान की सारी जिम्मेदारी आप री। की बात है, घर में सब लोग सगाई की तैयारियों में बिजी हो जाएंगे। Exactly. तो युवान का ध्यान रखने के लिए घर में कोई तो होना चाहिए। नियति, तुम जाके सगाई की तैयारी करो और युवान को सगाई में लाने की जिम्मेदारी मेरी। चलो। चलो भाई, बढ़िया। युवान, अब जल्दी से पापा का हैंडसम प्रिंस बनकर तैयार होके नीचे आ जा। नहीं 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 पापा, युवान को गंदी पड़ी से सगाई नहीं करनी, नहीं करनी। युवान फिर वही जिद। युवान को गंदी पड़ी से सगाई नहीं करनी, नहीं नहीं। युवान फिर वही बात। युवान मेरी बात सुन बच्चे। युवान को ना गंदी पड़ी से सगाई करनी नहीं है पापा, प्लीज समझिए ना पापा। अच्छा एक बात बताओगे पापा को? आपको वो परी गंदी क्यों लगती है बेटा? वो गंदी क्यों लगती है? वो गंदी लगती है पापा बस। वो गंदी परी है ना पापा, उसे खीर नहीं पसंद, इसीलिए युवान को गंदी लगती है। और हाँ पापा, उसके उसके जो पैर है ना, उसके पैर की जो दूसरी उंगली है ना, वो पहली वाली उंगली से इतनी इतनी बड़ी है, इसलिए गंदी लगती है पापा। बहुत बहुत गंदी लगती है वो गंदी परी युवान को, इसलिए मुझे सगाई नहीं करनी पापा प्लीज। बच्चे ये तो छोटी छोटी बातें हैं, उंगली तो बड़ी है ना पापा। असली रिश्ता युवान दिल से होता है और नियति परी का दिल बहुत अच्छा है। आप एक बार हां बोल दोगे ना तो वो आपका ख्याल रखेगी, आपके साथ रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, कितनी बार युवान कमरे में अकेले वायलिन बजाता है, अकेले गाना गाता है, कोई सुनने वाला ही नहीं होता है। अब नियति परी अगर आपके साथ रहेगी तो वो भी आपका म्यूजिक एंजॉय करेगी। बेटा पापा काम में बिजी रहते हैं, माननी माँ बिजी रहती है, दादू भी बूढ़े हो गए हैं बेटा, वो 24 घंटे आपके आगे पीछे नहीं भाग सकते। हाँ बोल दे बेटा, तेरी शादी तेरे पापा का सबसे बड़ा सपना है। अगर तू हाँ बोल देगा ना तो मेरे बच्चे की शादी जोधपुर की सबसे बड़ी शादी होगी, पूरा जोधपुर देखेगा तेरी शादी, हर जगह एक ही बात होगी। किसकी शादी है? युवान सिंह राठौर की शादी। किसकी शादी है? युवान सिंह राठौर की शादी।
भोलेनाथ का सब कुछ दिया हुआ है बेटा तेरे पापा के पास। तेरे पापा को और कोई चिंता नहीं है, बस 24 घंटे अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है। आज तो पापा है, दादू है, सब आपकी केयर करते हैं, चिंता करते हैं, पर कल का क्या पता बेटा? कल पापा हो ना हो, दादू, अगर नियति होगी ना तो हमें चिंता ही नहीं रहेगी। पापा को पता है कि नियति है तो युवान ठीक है। हाँ बोल दे बेटे, बोल दे मेरा बेटा। चलो युवान, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी तो तुम एकदम पुलाव के चावल लग रहे हो, पर अपनी सगाई में जाने के लिए तो तुम्हें बिरयानी दिखना पड़ेगा ना। चलो चलो। जा मेरा बच्चा, जोधपुर का सबसे हैंडसम प्रिंस बन के नीचे आ, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। सुबह से साबुन के घोल में बैठे बैठे एकदम चलते फिरते साबुन की टिकिया लग रहे हो। भाई जी जल्दी ऊपर आ जाओ, युवान ने अच्छे से नहलाओ, क्योंकि युवान सिंह राठौड़ को ऐसा तैयार करेंगे जैसे इनके पापा सा चाहते हैं, एकदम राजकुमार की तरह। हाँ आइए युवान मन्ना, आइए चलिए। जाओ युवान जाओ। वाओ नियति, तुमने आज क्या जादू चलाया है, देखा नहीं तुमने कैसे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि भरोसा रखे, अगर ये बन्नी ना होती ना तो आपका ये युवान मेरा पल्लू पकड़ के आगे पीछे नाच रहा होगा। बन्नी? हाँ दादा। कहाँ ही लग रहा था देखो ना, मतलब नियति की बात सुन के वो सच में सच बोल रही थी हैं? दादू साहब, माँ से बढ़कर कुछ ना हो सके, कोई भी लड़की खुद की माँ की मौत की झूठी कहानी ना बना सके। दादू साहब, हमारे को लागे है कि आपको भी नियति पे शक करने के बजाय उसे एक दूसरा मौका दे देना चाहिए। पता नहीं हमारे को अभी भी ये बात हजम ही ना हो रही कि युवान और नियति की जोड़ी। जानू दादू साहब, बात करेले की बहन जितनी कड़वी है, पर बात सच है, नियति उसकी होने वाली पत्नी है और मैं तो सिर्फ उसकी दोस्त हूँ। पर आप चिंता ना करो, मैं युवान और नियति ना एकदम दाल बाटी चूरमा की तरह है, मतलब अब दाल बाटी का साथ तो हमेशा का लिखा है, चूरमा भी बीच बीच में आके मिठास लगाता रहेगा। आऊंगी कभी कभी युवान ने मिलने, ये दोस्ती का रिश्ता तो कभी ना टूटने वाला। दादू साहब, मैं भी आती हूँ युवान ने तैयार करके, आओ। अरे क्या बात है, हाँ युवान, इस शेरवानी में तो बहुत जचने वाले हो तुम। युवान को जचना नहीं है, बचना है बन्नी, बचना है सगाई से। युवान को नहीं करनी गंदी परी से सगाई, पर कोई सुनी नहीं रहा मेरी, और तुम भी। भाईजी, मारे को तो लग रहा है इतनी बुरी भी ना है वो शायद। अब तुम ही देखो कितने बदमाश हो तुम, हाँ कोई आसान काम है कि थारे को संभालना? के हुआ के बात है युवान, इस सगाई के बाद क्या करना होगा युवान को? शादी, और एक बार जब शादी हो जावे ना तो कोई कभी अलग ना होवे। युवान अब तुम जल्दी से शेरवानी पहन लो, वरना सब लोग मारे ऊपर दाग लगाएंगे कि बन्नी नहीं चाहती कि युवान की सगाई हो। बन्नी, लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे और के? नहीं नहीं युवान, ऐसा छोड़ी होने देगा।
मैं किसी को तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलने दूंगा, पर सगाई भी नहीं करनी, पर लोग बुरा भी नहीं बोल सकते। अच्छा कर लेता हूँ ये सगाई, सगाई कर लूंगा। चलो फिर, अरे अरे देखो देख थरी नई नई मोजड़ी आ गई, चलो यहाँ इसे जल्दी से पहन लो। भाई जी आप इसे जल्दी जल्दी तैयार कर दो, मैं बाहर रुकी हूँ। हाँ पहन लूंगा पहन लूंगा, धीरे धीरे धीरे। बस 7 दिनों का, 7 और। चंदा मामा कहाँ है युवान के? युवान के चंदा मामा कहाँ है? युवान के चंदा मामा कहाँ है? चंदा मामा, युवान को चंदा मामा चाहिए। चंदा मामा, चंदा मामा कहाँ है? छोड़ो ना चंदा मामा। अरे वो डब्बा कट्ठे रख दियो जिसमें युवान का चंदा मामा था, अब खेल युवान ने। चंदा मामा कहाँ है? युवान के चंदा मामा कहाँ है? युवान के चंदा मामा कहाँ? युवान के चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा कहाँ? चंदा मामा ना मिले तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बन्नी भाई साहब। आपको पता है शिवरात्रि वाले दिन इनके कपड़ों से चंदा मामा वाला स्टिकर गुम हो गया था, तो बिना कपड़ों के ही पहुंच गए थे पार्टी में। अब क्या करेंगे, कुछ समझ में को नहीं आ रहे हो। मैं देखती हूँ युवान। वो बंदे चंदा मामा, युवान के चंदा मामा। शांत हो जाओ युवान। युवान के युवान, शांत हो जाओ। सब ठीक है, सब ठीक है, बनी है ना? शांत हो जाओ, कोई बात। युवान के चंदा मामा। चंदा मामा ना? मैं दिखा, मैं। भाई जी सुई धागो ना डब्बो ले आओ जल्दी से। हाँ मैं अभी करती हूँ। चंदा मामा चाहिए ना? शांत हो जाओ, मैं अभी दिखाती हूँ, चंदा मामा लाएंगे। बन्नी भाई साहब ये सुई धागो वाले डिब्बो। चुप बात युवान, देख रहा कैसे चंदा मामा हरे शेरवानी पे आते हैं। बन्नी पता है सब लोग ना युवान के कपड़ों पे ना चंदा मामा वाले वो ऐसे 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 बस स्टिकर लगा देते थे, ऐसे ना सिर्फ युवान की मम्मा करती थी। और अब जब भी युवान किसी से कहता है ना तो सब कहते मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, सिर्फ युवान की मम्मा को आता था। सब नमूने हैं एकदम। बन्नी भाई साहब यो ला डिब्बो पीछे पड़ो तो। ये लो फिर से आ गया स्टिकर। भाई जी इसे रहने दो, मैं नियति ने सिखा दूंगी कि युवान के सारे कपड़ों में चंदा मामा लगा दे। ऐसे वाले? हाँ ऐसे वाले। गेस्ट सब थोड़े से बेसब्रे हो रहे हैं। युवान कहाँ है, अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? हम अभी लेकर आते हैं डीजी। युवान को वीर हमने कैसे हैंडल किया है? थैंक यू माननी। ये नो पिछले दिनों घर में जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं लगता था कि पापा साहब युवान को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, लेकिन ये देखो पापा साहब बुआ साहब दोनों मेरे बच्चे की खुशी में शामिल होने आए हैं। थैंक यू। कैसे?
सब रिश्तों को कैसे संभाल लेती हो तुम? बन्नी पता है जब भी मम्मा ऐसे ऐसे करती थी ना तो युवान उनको पोएम सुनाता था, तो मैं तुम्हें पोएम सुनाऊं मम्मा जैसे? सुना युवान ने लिखी है बन्नी। हाँ, सुना। चांद जैसी प्यारी बन्नी, आसमान में गोल गोल सफेद मोती जैसी, जहां जाए खुशियां फैलाए, चांद जैसी प्यारी बन्नी। अच्छी है ना? घनी चौकी है सच्ची। हाँ, तो आज ना नीचे सबके सामने युवान बन्नी के लिए ये कविता सुनाएगा। बिल्कुल नहीं। और ये लो, अरे चंदा मामा तैयार हो गए। ओ, ओ, हाँ, बन्नी मम्मा जैसी है ना? फोन आ रहा है, कस्टमर का फोन। खम्मा घड़ी काकी सा। हेलो हेलो, आवाज ना आ रही। युवान मैं अभी आऊँ। हाँ सुनाई दे रहा है। हेलो, अरे जेठ जी ये कविता तो बहुत ही अच्छी है, ये कविता आपने लिखी है? युवान ने लिखी है। बन्नी सुनेगी तो बहुत खुश होगी। सच्ची? लेकिन इसे सबके सामने सुनाना। ठीक है, पर ना आजकल चांद को चांद नहीं बोलते, तू चांद को सांड बोलते हैं। अच्छा, बस जहाँ जहाँ चांद है वहाँ सांड कर देना। सांड? हाँ। और फिर बन्नी को सुनाना, बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है ठीक है, लेकिन सबके सामने। सबके सामने? हाँ हाँ ठीक है। हाँ काकी सा, पहुंचा दूंगी टिफिन। हाँ, और कितना टाइम लगेगा इसे? बस 5 मिनट और। तो युवान, मैं कह रही थी कि तूने जो कविता लिखी है ना, हाँ, हाँ, वो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। पर वो कविता मारे लिए ना, नियति के लिए सुनाना। क्यों? अगर मारे लिए सुनाओगे ना तो बहुत डांट पड़ेगी, और अगर नियति के लिए सुनाई ना तो तालियां बजेंगी, तालियां, और मैं भी बहुत खुश होंगी। हाँ सच्ची? हाँ। तो तुम खुश होगी? पक्का। बन्नी खुश तो ये युवान खुश, तो ठीक है मैं वो वाली कविता ना नियति के लिए सुनाई दूंगा। चलो। चांद के बदले सांड। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।